हाय एवरीवन, मैं किरण, आपकी हिंदी की अध्यापिका, और आज हम फिर प्रेजेंट हैं आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ, जो है क्लास थर्ड का चैप्टर है 13, पर्यायवाची शब्द। तो आइए हम पर्यायवाची शब्द क्या होता है वो समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये चंद्रमा है, चंद्रमा को हम शशि बोलते हैं, राकेश भी बोलते हैं, चंद्रमा भी बोलते हैं और चंदा भी बोलते हैं। मीन्स एक ही चांद है जिसके कई नाम हैं। ठीक उसी तरह जब हम कमल की बात करते हैं तो कमल को हम जलज भी बोलते हैं, पंकज भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं। मतलब एक कमल है और नाम अनेक है, एक चांद है और नाम अनेक है। तो क्या मतलब निकला? समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ, अगर हम चंद्रमा कहें तो भी हम चंदा की बात कर रहे हैं, चंदा कहें तो भी हम चंदा की बात कर रहे हैं, शशि कहें तो भी हम चंदा की बात कर रहे हैं, राकेश कह रहे हैं तो भी हम चंदा की बात कर रहे हैं। मतलब एक चंद्रमा समान अर्थ दे रहा है। ठीक, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले पर्यायवाची शब्द। उसी तरह हम अगर कमल की बात, कमल कह रहे हैं तो भी हम कमल की बात कर रहे हैं, जलज कह रहे हैं तो भी हम कमल की बात कर रहे हैं, कमल कह रहे हैं तो भी हम कमल की बात कर रहे हैं, नीरज कह रहे हैं तो भी कमल की बात कर रहे हैं। मतलब एक कमल और नाम अनेक है, लेकिन अर्थ क्या निकला? सिर्फ कमल। तो मतलब समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक, इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम अग्नि की बात करते हैं, अग्नि के भी कई नाम हैं, पावक, आग, अनल, ज्वाला, ये सारा क्या नाम है? ये अग्नि के नाम है। अगर हम पावक कह रहे हैं तो भी हम अग्नि कह रहे हैं, आग कह रहे हैं तो भी हम अग्नि को ही कह रहे हैं, अनल कह रहे हैं तो भी अग्नि कह रहे हैं, ज्वाला कह रहे हैं तो भी अग्नि कह रहे हैं। और अगर हम ज्वाला कह रहे हैं तो भी हम आग को कह रहे हैं, आग कह रहे हैं तो भी हम अनल को कह रहे हैं, अनल कह रहे हैं तो भी हम ज्वाला कह रहे हैं, ज्वाला कह रहे हैं तो भी हम अग्नि। मतलब हम एक अग्नि के इतने ढेर सारे नाम हैं, लेकिन हम बात अग्नि की ही कर रहे हैं। उसी तरह आकाश को करें नभ, आसमान, गगन, व्योम, ये सारे किसके नाम है? आकाश के नाम है। वैसे ही आँख की बात करें नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, ये किसके नाम है? आँख के नाम है। गंगा, भागीरथी, मंदाकिनी, सुसरी, जाह्नवी, ये किसके नाम है? गंगा के नाम है। उसी तरह गुरु की बात करें शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, उस्ताद, ये किसके नाम है? गुरु के नाम है। घर की बात करें तो सदन, आवास, आलय, भवन, ये किसका है? घर की बात। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि हम शब्दों को देखें, अगर पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं तो पर्यायवाची शब्द में एक शब्द के अनेक नाम जरूर होते हैं। घर के, एक ही घर के हम घर कहते हैं, हम क्या बोलते हैं, सदन कहते हैं, आवास कहते हैं, आलय कहते हैं, भवन कहते हैं, हम एक ही घर के कई नाम लेते हैं, लेकिन बात किसकी करते हैं? हम उस घर की ही बात करते हैं। मतलब एक शब्द है जिसके अनेक नाम है लेकिन अर्थ एक ही निकल रहा है। जो अर्थ निकल रहा है एक, तो अर्थ जो प्रकट करने वाले एक हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये आपके क्लास के अकॉर्डिंग, क्लास थर्ड के अकॉर्डिंग है, बाकी आपको और लर्न करने पड़ेंगे। अगर आप इसे लर्न कर लेते हैं तो पर्यायवाची शब्दों को आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि जब हम बड़ी क्लास में और ऊपर चले जाते हैं, जैसे स्टोरी हुई या फिर कविता, ज़्यादातर कविता स्टोरी में क्या होता है, कहानियों में हम शब्द को कई रूपों में एक ही भाव रहता है, लेकिन अनेक नाम होने की वजह से हम उसको जगह जगह प्रयोग करते हैं। अगर आपको इनका नाम पता रहेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपको सेंटेंस समझने में आसानी होगी। आप अगर कविता पढ़ रहे हैं तो कविता के भाव निकालने में आपको आसानी होगी, कि आप उसके शब्दों को पता रहेगा कि उसका क्या अर्थ है, तो इजीली उस कविता को, उस कहानी को आप अच्छे से समझ में पाएंगे। इसलिए हिंदी हमेशा एक के बाद एक चीज़ों से जुड़ी होती है। जब वो जुड़ती जाती है तो उसका अर्थ भी वही चीज़ होता है कि हाँ ये क्या है, क्योंकि हिंदी ग्रामर छोटा नहीं, हिंदी ग्रामर बहुत बड़ा है। शुरुआत से लेकर अंत तक सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये पर्यायवाची शब्द का समझने का सिर्फ इतना ही है कि जो हमारी कविताएँ होती हैं उनमें जब लेखक लिखता है तो एक चांद के कई तरह से उसके भाव को प्रकट करता है, उसकी सुंदरता को प्रकट करता है। तो वो कभी चंद्रमा कह देता है, तो कभी राकेश कह देगा, कभी शशि कह देगा, तो कभी चंदा कह देगा। लेकिन आप ये जब वो तो लेखक कर देता है, लेकिन जब पढ़ने वाले होते हैं उनके लिए वो शब्द अगर नहीं पता होंगे तो वो भाव हम कैसे निकालेंगे। इसलिए इन शब्दों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपके चैप्टर अकॉर्डिंग इतना ही, और भी है वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि पर्यायवाची क्या है। तो ये हमारे समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।